दोस्तों पंजाब विच कॉन्स्टेबल का एग्जाम तो पहली बार हो रहा है तो यह जिहड़े क्वेश्चन ने इंग्लिश दे यह मैं राजस्थान कॉन्स्टेबल का एग्जाम होया अते दिल्ली कॉन्स्टेबल का एग्जाम होया उन्होंने एग्जाम नू एनालाइज़ करके देख के कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम विच पूछे जा रहे हैं फिर उन्होंने क्वेश्चन नाल रिलेट करके तो इस वीडियो विच मैं इंग्लिश दे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा एंड काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर स्लाइड बना के क्लासेस तुसी प्रोवाइड करवाया करो। देखो एक गल नोट कर लो, स्लाइड बनावांगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, मटीरियल सारा यही होंगे, यही गल तो समझानी होंगी है, तो करके जे ध्यान समझोगे तो तुम इन्ना हैंडमेड नोट्स तो भी चंगी तरह समझ सकते हो पूरी इनफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके दोस्तों मेरी राइटिंग ते ना जाओ, राइटिंग विच जिहड़ी भी तुहानू इनफॉर्मेशन दी है जिहड़े भी क्वेश्चन करवाए ने काफ़ी इंपोर्टेंट ने एग्जाम विच एज इट उठ के इस तरह के क्वेश्चन तुहानू देखण नू जरूर मिलणगे। तो इस वीडियो में आप इंग्लिश की वोकैबलरी के समान अर्थ और विपरीत शब्द के क्वेश्चन देख लेने कि किस तरह के एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। जे इंग्लिश में सुनना चाहो तो सिनोनियम्स के एटोनियम्स बारे जोड़े भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम बन सकते हैं वह इस वीडियो में कवर ने। तो पहले क्वेश्चन की गल करिए एग्जाम एज इट क्वेश्चन यह बनया सब इंस्पैक्टर का जिदेज पूछा गया कि सर्वे का सिनोनियम वर्ड की होगा। सिनोनियम मतलब समान अर्थी, सर्वे का मतलब की होंगे पहले पंजाबी भी समझ लो, सर्वेखण होंगे। हुण सर्वेखण ये चार ऑप्शन दिते हुए ने, एक दो तीन चार, इन्हां विचों सेम वर्ड किहड़ा है ये चूज़ करना होंगे। आप जस्ट सिंपल जी गल है, हुण इग्नोर, इग्नोर नूं आपां सर्वे नाल समान अर्थ नहीं कह सकते। एग्जामिन, एग्जामिन इहनूं कह सकते हैं, आपां जांच करना होंगे एग्जामिन मैंने अते सर्वे मैंने सर्वेखण कितने ना कितने सेम वर्ड ही है, मतलब कि सेम मीनिंग निकलता है इन्हों का, करके इसका सही आंसर जोड़ा हो जाएगा एग्जामिन सही आंसर हो जाएगा। तो इस बाद ट्रायल का मतलब अजमाइश होंगे, रिक्वेस्ट का मतलब तुम्हें पता बेनती ही होंगे। बेनती मैं भी तुम्हें करना, वीडियो में लाइक तो एक कमेंट तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लिया करो। तो दोस्तों इंग्लिश तो कोई डरन वाली गल नहीं है, सिंपल जे क्वेश्चन आते हैं मेनली जे वर्ड्स आप डेली रूटीन यूज़ करते हैं उन्हों वर्ड्स बारे ही पूछा होंगे। बस जस्ट एक बार तुम्हें समझना है तो मतलब की होंगे यही माइंड में सैट करना और फिर उसनों सोल्व करना क्वेश्चन। तो सैकेंड नंबर क्वेश्चन की गल करिए, फाइंड द सिनोनियम वर्ड्स ट्रस्ट, ट्रस्ट का सिनोनियम वर्ड की होंगे यह इस बारे पूछा गया। तो सब तो पहला पंजाबी विच ट्रस्ट विच ट्रस्ट मीनिंग की होंगे, विश्वास करना होंगे। तो इधर चार ऑप्शन ने, वेलफेयर, सेफ्टी, बिलीफ ते अवेलिटी। हुण तुहानू जे तुसी चार ही वर्ड पढ़ लोगे तो तुहानू ईजीली पता लग जूगा कि बिलीफ मैंने विश्वास होंगे तो ट्रस्ट मैंने विश्वास होंगे, तो जो समान अर्थ इसका होया ट्रस्ट का बिलीफ होया। तो क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, फाइंड द सिनोनियम वर्ड ऑफ कंसल्ट, कंसल्ट का पंजाबी मीनिंग की होंदा है सलाह करना या सलाह देना किसी भी, इसमें आप कंसल्ट कह दें। कंसल्ट वर्ड तुम सुने होगा जिसनों आप कंसल्टिंग काफ़ी बारी मतलब कि न्यूज़ विच वर्ड आते हैं ये कंसल्टिंग, तो उसका अद्धा वर्ड लगा लो कंसल्ट, कंसल्ट मैंने उनका सलाह करना। हुण चार ऑप्शन पढ़ो, आर्गू, एप्रीहेंड, डिस्कस ते लैक्चर। हुण आर्गू मैंने तक तुम्हें पता आर्गूमेंट मैंने बहस करना होंगे, एप्रीहेंड मैंने डर लगना होंगे, तो डिस्कस मैंने बातचीत करना होंगे, तो लैक्चर मैंने लैसन होंगे जो लैक्चर तुम हूँ अटेंड कर रहे हो। तो इन चारों में की ऑप्शन हो सकता है, डिस्कस, डिस्कस मैंने बातचीत, कंसल्ट, कंसल्ट आप सलाह दें किमें दें बातचीत करके ही सलाह दें कोई, तो इसका सही आंसर जोड़ा तीन नंबर का डिस्कस सही आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों सिंपल जो तुम्हें क्वेश्चन लगने ने यह एग्जाम पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस एग्जाम जिहड़े TCS कंपनी वालों करवाए गए हैं उन्होंने एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो करके सिंपल ने बट इंपोर्टेंट बहुत ने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए। तो क्वेश्चन नंबर चार की गल करिए, फाइंड द सिनोनियम वर्ड ऑफ सुप्रीम, सुप्रीम मैंने की होंगे जिम्मे सुप्रीम कोर्ट का तुम्हें नाम सुना होगा, मतलब सब तो उच्च अदालत अपनी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, तो सर्वोत्तम सुप्रीम मीनिंग पंजाबी मी मतलब हो गया सर्वोत्तम। हुण हैड, एवरग्रीन, एवरलास्टिंग ते इनफीरियर विचों की हो सकता इसका समान अर्थक शब्द, तो हैड मैंने की होंगे उच्चा होंगे, एवरग्रीन मैंने की होंगे सदाबहार, तो एवरलास्टिंग मैंने की होंगे लंबे समय तक चलने वाले आप एवरलास्टिंग कह दें, तो इनफीरियर का मतलब की होंगे घटिया, तो सुपीरियर का इसका जोड़ा समान अर्थ होगा। इनफीरियर का कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता, तो जे सुपीरियर दिता हुआ तो आप इनफीरियर इसका समान अर्थ चूज करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर चार का सही आंसर जोड़ा हैड रहेगा, हैड मैंने उच्चा, सुप्रीम मैंने सर्वोत्तम या उच्च अदालत, आप इस तो अंदाजा लगा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 की गल करिए, फाइंड द सिनोनिम वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट वर्ड तुसी काफ़ी सुने होवेगा, ये शब्द जिवें हुण किसानों ने विरोध किया होया, मतलब वह प्रोटेस्ट कर रहे ने उन्हां बिलों के अगेंस्ट, तो प्रोटेस्ट मैंने पंजाबी विच वर्ड विरोध हुंदा है। तो हुण चार ऑप्शन दिते हुए ने, अप्रूव, अप्रूव मैंने मंजूरी हुंदी है, प्रडिक्ट मैंने कि अंदाजा लगाना हुंदा है, तो रिपीट मैंने दोहराना हुंदा है, तो अपोज मैंने विरोध करना हुंदा है। तो अपोज मतलब ओपोजिट, आप उसके ओपोजिट खड़े हाँ, मतलब उसके विरोध में खड़े हाँ, इस नाल आप रिलेट करके प्रोटेस्ट का समान अर्थ जिहड़ा ओपोज याद रख सकते हैं। तो इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 6 की गल करिए, फाइंड द एंटोनियम वर्ड ऑफ कॉन्वेंशल। कॉन्वेंशल मैंने सब तो पहला समझ लो पंजाबी की हुंदा, रिवायती कहिंदे ने, ते चार ऑप्शन इधर दिते हुए ने, कॉन्वेंट सुविधाजनक हुंदा जिस भी ने, ते कॉन्ट्रोवर्शल शब्द भी तुसी सुनिया होगा विवादपूर्ण हुंदा, ते अनडिस्प्यूटड वर्ड जिसका निर्विवाद हुंदा है, मतलब ते इस तो बाद नॉन ट्रडिशनल गैर रिवायती। हुण कॉन्वेंशल है ते नॉन ट्रडिशनल है, तो दोनों का मतलब हुंदा, एक तो रिवायती हुंदा कॉन्वेंशल, ते नॉन ट्रडिशनल का मतलब हो गया गैर रिवायती। तो क्वेश्चन नंबर 6 विच की पूछा गया, कॉन्वेंशल का विपरीत शब्द पूछा गया, तो कॉन्वेंशल मैंने तो रिवायती हो गया, तो नॉन ट्रडिशनल मैंने गैर रिवायती, तो इसका ओपोजिट शब्द हो गया, मतलब विपरीत शब्द हो गया, यानी एंटोनियम हो गया। तो सही आंसर इसका 4 रहेगा। तो इस बाद क्वेश्चन नंबर 7 की गल करिए, फाइंड द एंटोनियम वर्ड ऑफ फुलफिल्ड। फुलफिल्ड मैंने की हुंदा पूरा किता या पूरा करना, तो हुण चार ऑप्शन दिते हुए ने, इसका आप विपरीत शब्द फाइंड करना, इन्हों विचों चार ऑप्शन विचों ओबस्क्योर जिसके मैंने अस्पष्ट हुंदा, तो डिसकॉन्टेंटड असंतुष्ट हुंदा, एड, एड मैंने सहायता हुंदी है, कंफर्ट मैंने आराम हुंदा, तो फुलफिल्ड का विपरीतिक शब्द जिहड़ा डिसकॉन्टेंट जिहड़ा रहेगा इसका सही आंसर। फुलफिल्ड मतलब कि हुंदा भी हाँ पूरा करता, आप जे आप पूरा नहीं किया तो असंतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ अज असी इंग्लिश का जिहड़ा सिलेबस है वह कुछ नहीं किया, कवर नहीं किया, असी अस मन मन विच की हुंदा असंतुष्टि हो जाती है। जे आप पूरा कर लेंगे इंग्लिश का जिहड़ा भी चैप्टर अज की क्लास अज के दिन विच, तो उसनों आप फुलफिल हो जाते आप कि हाँ ये तो मैं पूरा कर लिया है ना, इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की गल करिए, फाइंड द एटोनियम वर्ड ऑफ डिले। डिले मैंने की हुंदा दोस्तों पंजाबी विच देरी, ते चार ऑप्शन दिते हुए ने इधर, रिटार्ड, रिटार्ड मैंने रुकावट हुंदा, हिंडर मैंने भी रुकावट हुंदा, हरी, हरी वर्ड तुसी काफ़ी बार सुना होगा, तो हरी मैंने जल्दी करो, ते ऑब्सट्रैक्ट मैंने भी रुकावट हुंदा। हुण जे तुहानू सिनोनियम विच इह क्वेश्चन आ जाए कि सिनोनियम वर्ड फाइंड करो हिंडर दा, तो उसका सिनोनियम वर्ड ऑब्सट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि हाइंडर मैंने भी रुकावट है, तो ऑब्सट्रैक्ट मैंने भी रुकावट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डिले का जिहड़ा विपरीत शब्द होगा जल्दी करो, तो हरी। ओके दोस्तों, हुण एक छोटी जी इनफॉर्मेशन भी सुन लो, तुसीं जे तुसीं कॉन्स्टेबल दे एग्जाम दे रिगार्डिंग इंपोर्टेंट क्वेश्चन दी PDF फाइल नूं बाय करना चाहुंदे हो, पर सबजैक्ट के रिकॉर्डिंग PDF फाइल का प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है, तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इस पर मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी लैके फिर तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय कर सकते हो। काफ़ी कैंडीडेट्स ने यह PDF फाइल ऑलरेडी बाय कर लिया, जो तुम भी अपने एग्जाम की तैयारी परफेक्ट बनाना चाहते हो तो PDF फाइल में जरूर बाय कर लो। तो हूँ आप क्वेश्चन नंबर 9 की गल कर लेंगे, फाइंड द एंटोनियम वर्ड ऑफ अपडेट। अपडेट दोस्तों मेरे चैनल पर भी आता, मनू मोड़ अपडेट मीनिंग की हुंदा, अपडेट का मैं श्योर नहीं हूँ पंजाबी विच की कहिंदे ने, बट अपडेट मैं समझदा कि चीज़ हुंदी अपडेट। तो इधर चार ऑप्शन दिते हुए ने, इंप्रूव मैंने सुधार करना, डीग्रेड मैंने नीचा करना नीचे जाना मतलब, तो बैटर मैंने बेहतर हुंदा, तो रेनोवेट मैंने नवीनीकरण। हुण जे कोई अपडेट हो रहा है मतलब कि अपना फोन लगा लो एंड्रॉयड मोबाइल फोन लगा लो रेगुलर मतलब कि अपडेट हो रहा है, तो मतलब नया बन रहा एक तरह का, तो इसका ओपोजिट वर्ड मतलब विपरीत शब्द की होगा डीग्रेड। ठीक है, जे आप फोन नहीं अपडेट हुंदा जिमें हुण पहला फोन आए से चाइना मेड, जे उन्हां विच कोई अपडेट ही नहीं हुंदा सी कुछ, तो वह नीचे चले गए डीग्रेड हो गए, वह तो इस तरह इसका जिहड़ा विपरीत शब्द होगा वह अपडेट का होगा डीग्रेड। एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट भी होया क्वेश्चन, पिछली बार जो हैड कॉन्स्टेबल का एग्जाम होया मतलब कि हुणी महीने को पहला होया, उस विच यह क्वेश्चन एज इट पूछा गया सी। ते क्वेश्चन नंबर 10 की गल करिए, फाइंड द एटोनियम वर्ड ऑफ पेल।
पेल मीनिंग क्यों होंगे दोस्तों, फिक्का होना, फिक्का। तो ओबियस चार ऑप्शन दिते हैं, इंटेंसीफाई मीनिंग होंगे तेज करना, वेवर मीनिंग हिलाना, कलरफुल मीनिंग होंगे रंगदार। हुण पेल मीनिंग फिक्का होंगे तो कलरफुल होगा, रंगदार होगा तो इसका जो विपरीतक शब्द होगा वह कलरफुल हो जाएगा। तो इनक्रीज मीनिंग की होंगे वाधा। यह पंजाबी वर्ड जिहड़े इंग्लिश पंजाबी मैं तुहानू दस्सियो, यह राइट डाउन जरूर कर लियो, क्योंकि बट जे तुहानू इन्हां शब्दों के पंजाबी विच मीनिंग पता ने तो तुसीं ईजीली कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसनू हैंडल कर लोगे। तो इस तो बाद की है, फाइंड वन वर्ड, मतलब तुहानू कुछ एक लाइन दित्ती होगी उसके की मतलब होंगे एक वर्ड विच आपां डिफाइन करना होंगे। जिवें इत्थे क्वेश्चन नंबर 11 की कहिंदा, द स्टडी ऑफ मैप्स, मैप्स के अध्ययन नू की कहिंदे ने, तां कार्टो ग्राफी कहिंदे ने, यह नक्शे के अध्ययन कार्टोग्राफी कहा जाता है। तो फिलोसफी किसनों कहिंदे ने, तो दीन दुनिया का अध्ययन करने वाले फिलोसफी कहा जाते हैं। न्यूमिजमैटिक्स कौन होंगे ने, जो सिक्कों इकट्ठे करते हैं, जो कोइन होंगे ने, ढाले होंगे ने अपने, उन्होंने इकट्ठे करने कई कई शौक होंगे, उन्होंने न्यूमिजमैटिक्स कहा जाता है। तो ज्यूरी किसनों कहते हैं, जजा के समूह को ज्यूरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, इंड्यूल विद एवरी अटेंशन कंफर्ट ते काइंडनेस, मतलब कोई इस तरह की चीज़ जिथे कंफर्ट भी है तो ध्यान भी, अपना अटेंशन भी है, तो कुछ काइंडनेस मतलब कि दयालता पूर्वक भी फील कर रहा कोई। तो एंथर हॉल मैंने की होंगे उत्तेजित करके, चर्म मैंने की होंगे बहुत चंगा लगना, तो पैंपर मैंने की होंगे लाड़। हम कोई लाड़ लड़ा तो उसका ध्यान भी उधर होंगे, है ना, कंफर्ट से भी होंगे दोनों, जिन्हों लाड़ लड़ा रहे हैं या जिन्हों लाड़ जिते लाड़ आ रहा वह भी कंफर्ट है, वह भी। तो कुछ प्यार वाली मतलब कि गलबात भी होंगे, काइंडनेस वाली चीज़ भी होंगी है, उस टाइम फीलिंग होंगी है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा पैंपर यानी लाड़ लड़ा रहेगा। तो जोकोज, यह वर्ड तो एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यह किस दे, यह जोकिंग वर्ड का तुम्हें सनोनियम के रूप में देखने को मिल सकता है। जे एग्जाम जोकिंग का सनोनियम पूछा गया थोड़े तो जोकोज नू सिलेक्ट करते हुए बिल्कुल ना डरो, क्योंकि जोकोज मैंने भी मजाक होंगे तो जोक मैंने भी मजाक होंगे। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, फाइंड द वन वर्ड द फस्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस। ठीक है, मतलब कोई फोन आया उसके जोड़े आप फस्ट मॉडल एक नाम एक वर्ड देना, की वर्ड होंगे वह प्रोटोटाइप एक वर्ड होंगे, जिस विच ये मशीनरी नाल रिलेटेड वर्ड होंगे, एक जिस विच पुराने मॉडल दे कोई भी मोबाइल है या कोई भी डिवाइस है, पहला मॉडल आया तो उस तो बाद काफ़ी 10-12 मॉडल उसके आ गए, तो जो पहले मॉडल आप प्रोटोटाइप के नाम नाल जाणांगे। क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, सक्सेसन ऑफ रूलरस बिलोंगिंग इन द वन फैमिली, मतलब किसी का वंश राज करदा रहा है, मतलब इंक्लूड मेरे दादा जी से जो मेरे घर से राज करते, उस तो बाद मेरे फादर आए, उस तो बाद मैं आ गया, मतलब कि मेरी जी पीढ़ी दर पीढ़ी राज मेरे घर से है, कहने का मतलब यह है। तो ऑप्शन की गल करिए, कि ऑप्शन इसका जोड़ा एक वर्ड होगा, ओकल्ट, ओकल्ट मैंने की होंगे जादूगरी, तो इंटरग्रेशन मैंने की होंगे एकीकरण, अनार्ची मैंने की होंगे अराजकता, तो डायनासिटी मैंने की होंगे राजवंश। तो इसका सही आंसर जोड़ा 4 रहेगा, डायनासिटी, क्योंकि यह राजवंश पीढ़ी दर पीढ़ी राज चलता आ रहा है मेरे घर से। तो क्वेश्चन नंबर 5 गल करिए, फाइंड द वन वर्ड एन आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन, तो नॉर्मल जो वर्ड है हाइबरनेशन, तो सर्दियों में जोड़ा अपने जानवर होंगे ने वह अपना खाने जोड़ा कि सेव कर लेंगे, ताकि गर्मी में उन्होंने खाने के वास्ते भोजन के वास्ते घूमना ना फिरे, उसनों हाइबरनेशन कहते हैं। तो हीमोग्रेज मैंने की होंगे खून का बगना, जोड़ा कि गार्डन वर्ड ना आप रिलेट कर ही नहीं सकते। तो हॉर्टीकल्चर केड़ा होंगे बागवान, तो ईजीली अपन माइंड में याद रहेगा, हॉर्टीकल्चर कल्चर कल्चर कल्टीवेशन सेम वर्ड ने यह, तो ईजीली तो माइंड में यह सैट हो जाएगा। तो इसका एक वर्ड की गल करिए, मतलब एक शब्द में इसको जो संग्रहित करिए तो बागवानी इसका सही आंसर रहेगा। ओके दोस्तों, ये सिनोनियम और एंटोनियम रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होर ने, वह क्लास मैं तुम्हें फिर प्रोवाइड कराऊंगा जे इस वीडियो से चंगा रिस्पोंस मिलता है, मतलब जे 500 लाइक भी आ जाते हैं इस वीडियो से, तो मैं जरूर जल्दी से जल्दी शाम तक तुम्हें वीडियो जरूर प्रोवाइड करा दाँगा। बाकी क्वेश्चन जिस चंगी तरह मैं कवर किए हुए हैं, एंड जे ये वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ वीडियो में लाइक कमेंट सबसक्राइब जरूर कर लो।